आज के समय में शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनने के लिए घर की दहलीज से बाहर निकल रही हैं और कामयाबी की इबारत लिख रही हैं। फतेहपुर जिले के सदर तहसील क्षेत्र के अस्ती गांव की महिलाओं ने लॉकडाउन के दौरान आत्मनिर्भर बनने का काम किया है और सिलाई कर अपना भविष्य संवार रही हैं। अस्ती गांव की महिलाएं प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल आसिफ फारूकी की मदद से कपड़े के बैग बनाने का काम कर रही हैं और इससे अपना और अपने परिवार का खर्च संभाल रही हैं। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि हम लोगों ने घर घर जाकर महिलाओं को जागरूक किया और जिसके बाद काफी संख्या में महिलाएं हमसे जुड़ गई हैं। हम लोग यहां काम सीखकर आगे बढ़ेंगे, अपना काम शुरू कर अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई एवं परिवार चलाने में मदद कर सकेंगे। घर घर हम लोग गए और उनको प्रेरित किया कि यहां आके सिलाई सीखिए, आप सिलाई सीखेंगी तो आप बैग बनाना सीखेंगी तो आपका मतलब कुछ आगे का खर्च जो होगा उसमें आपको मदद मिलेगी। जी, हम यहाँ सिलाई सीख रहे हैं तो इससे हमें कुछ मदद, बहुत सारी मदद मिलेगी जिससे हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं, अच्छे से उनको शिक्षा दे सकते हैं, उनका घर से घर का उठा सकते हैं। वहीं ग्रामीण महिला का कहना है कि पति पैरालिसिस से ग्रसित हैं। वहीं एक अन्य ग्रामीण महिला का कहना है कि उनके पति पैरालिसिस से ग्रसित हैं। यहाँ वह काम इसलिए सीख रही हैं जिससे परिवार व पति के भरोसे ना रहें और खुद से काम कर बच्चों का पालन पोषण करने के साथ परिवार का खर्च भी उठा सके। पैरालाइज हो गई थी तो बहुत परेशान थे हम लोग, यहाँ सीख रहे हैं कि मतलब हमको कोई दिक्कत ना हो, हम अपने पति के सहारे ना रहें, ज्यादा उनको भी परेशान ना करें, अपना मतलब सीख करके अपना खुद का बिजनेस करें और अपने हाथों से अपने बच्चों को पालन पोषे और उनके देखभाल करें। वो लड़कियाँ जो घर में हैं जिनकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, उन्हें कॉलेज जाने को नहीं मिल रहा है, घर में मानसिक तनाव से भी ग्रसित हो रही हैं, उनको कुछ आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है, माँ बाप पे वो डिपेंड हैं, तो उनके अंदर ये जज्बा आ गया कि इस तरह शायद हमें भविष्य में कभी रोजगार मिल सके। धीरे धीरे इसमें एडमिशन ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, नामांकन होते रहते हैं, रोज दो चार महिलाएं जिन्हें पता चलती है, जिनके बच्चे यहाँ नहीं भी पढ़ते हैं या जो बालिकाएं यहाँ से टच में भी नहीं है उन्हें भी जब ये बात पता चल रही है तो वो यहाँ आ रही है। कुछ इंस्ट्रूमेंट तो मैंने खुद से ही प्रोवाइड कराए हैं क्योंकि यहाँ के लोगों से संपर्क करके जो मशीनें खराब पड़ी थी लोगों के घर में उन्हें ठीक करवाया मैंने, अपनी कुछ मशीनें लाई, अपने परिवार वालों से बात करी, उनसे मशीनें मांगी, तो इस तरह से बहुत सारी कलेक्शन हुई, 8-10 मशीनें हो चुकी हैं। हम इसे चालू रखेंगे, जो जो लोग अच्छे से सीख जाएंगे उनको हम बाद में स्कूल के यूनिफॉर्म वगैरह से लाने के